अरे वाह, मैं अपना भाग्य जा सकता हूँ, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। चलो चलते हैं यार। बेटा, जिंदगी की सारी समस्याओं का हल जानने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ इस पेपर पे लिखो। लाओ, अब मुझे दे दो ये। बच्चों को एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो वो ना करें जिससे फायर। आंखें बंद करो और अपने इष्ट देव का ध्यान करो। तो तुम्हारी समस्या का जो हल है वो तुम्हारी कुंडली के तीसरे, छठे और पहले घर में छुपा हुआ है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम अपनी समस्या समाधान चाहते हो? इनमें से एक कार्ड चुनो, आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। ये चमत्कारिक जल है। चमत्कारिक जल में जब हम तुम्हारी समस्याओं को रखेंगे तो कोई ना कोई हल ईश्वर जरूर देगा। ओह, ये देखो, ये चांद बन के आया है। एक कागज और चुनो, कोई भी। तुम्हारी कुंडली के चांद और सूरज तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखो, चांद का निशान बना हुआ है यहाँ पर। देखो, ये सूरज जो है वो हल्का हो गया है। ये बात का सिंबल देता है कि सूरज तुम्हारा कमजोर होने लगा है। तुमको इसका उपाय जानने के लिए 5,000 रुपए की पूजा करवानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? 5,000 रुपए? सॉरी, एक्चुअली आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर एनी मोर। एंड यू नो दैट इफ श्रुति मैम इज डूइंग दिस, इट मीन्स देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट। एंड आई जस्ट वांट टू से कि मेरा किसी एस्ट्रोलॉजर की फीलिंग्स को हर्ट करना इसमें बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बस थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल रहे कि कोई भी चीज अगर हमारे आसपास होती है, हमें लगता है कि कोई ज्यादा पैसे ले रहा है या कुछ भी है, तो हमें थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए। समस्याएं हमारी मेहनत करने से भी सुलझती हैं, वो भी ध्यान रखें। और ये जरूर बताएं कि ये जो चांद और सूरज की समस्या है ये मैंने कैसे की? दूसरा, मैंने अपने हाथ पे जो नंबर मेरे आ गया ये कैसे किया? इन दोनों के पीछे क्या साइंस है? ये अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप घर में करना चाहते हैं तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। पर क्योंकि इसमें फायर इन्वॉल्व है तो आप ये घर में वैसे ना करें। इफ यू डू इट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव एल्डर्स अराउंड इट, एंड देन ओनली डू इट। थैंक यू।